बलिया जिला के विभिन्न प्रखंडों में पीडीएस दुकानदारों और मार्केटिंग पदाधिकारियों के बीच में काला बाजार को बढ़ावा देने की कई बातें सामने आ रही हैं, जो पीडीएस दुकानदार हर महीने अपने अंत्योदय के गरीब लाभुकों तक पहुंचाने का काम करते हैं उसे भी अधिकारी बराबर तंग करते हैं और मार्केटिंग पदाधिकारी के द्वारा या कहा जाता है कि तुम वितरण करो या नहीं करो पर हर महीने मुझे पैसा चाहिए। इस बात को लेकर जेडीयू के जिला महासचिव विनोद यादव ने प्रमुखता से उठाया है। विनोद यादव ने बताया कि बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों के द्वारा इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिसके असर वोटरों पर पड़ा है। प्रदेश में जेडीयू सरकार है और उनके कार्यकर्ता के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि 2020 के चुनाव में सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वह आम जनता तक पहुंचे और उसका लाभ पूरा पूरा जनता को मिले। लेकिन कुछ अधिकारी हैं वो बीच में कालाबाजारी करने के लिए मजबूर कर देते हैं और मार्केटिंग पदाधिकारी कालाबाजारी करने का बढ़ावा देने में लगा हुआ है। जेडीयू जिला महासचिव ने कहा कि बोधगया प्रखंड मार्केटिंग पदाधिकारी खुलेआम कहते हैं कि अंत्योदय गरीबों को दोगे या नहीं दोगे उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है लेकिन मुझे हर महीने पैसा चाहिए, नहीं दोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उन्होंने वरीय अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया है। राम कुमार राजकुमार कितना दिन प्राप्त आए हैं यहाँ? यहाँ 2 महीना हो गया। दिवाली में कितना दिन के बाद मिल रहा, क्या कहा जा रहा है? आधा आधा किलो काट रहे हैं। तो ये सरकार जो कोप की मशीन दी है उसका लगा लेने के लिए 4 महीना मिलेगा तो क्या 4 महीना से नहीं मिल रहा था? नहीं। नाम है प्रेमचंद भैया। कितना दिन पर दे रहे हैं गेहूँ चावल? महीने महीने बांटिए रहे हैं। हर महीने बांटते हैं। तो फिर क्या वजह है कि लोग आपको कहते हैं कि 4 महीने पर खा कर ये जनता तो 10 महीने उन्हें होती रहता है सर, वो ज़्यादा मांगता है। अब उन्हीं से ये तो मशीन चल गया है सर, वो तो आप भी कहाँ है देखें मशीन आपका है। अंदर और चार्ज में लगा दिया अभी चार्ज में लगा दिए हैं। आप लोग अंगूठा आज लगाए हैं? कौन कौन अंगूठा लगाए हैं आप लोग? कल ही लगाए थे और आज दे रहे हैं। बड़ी दिक्कत होता है, दूसरे गाँव का था, लोग दूर से आते हैं। कल बोधगया नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 का मामला आवेदन एक मेरे पास आया है। जन वितरण प्रणाली दुकानदार रंजीत कुमार द्वारा दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा कि AMO बोध गया द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है कमीशन के लेकर। जब से फॉक्स मशीन मिला है नवंबर से लगातार, जब से वो नया डीलर बने हैं लगातार वितरण कर रहे हैं। वो आम जनता से वार्ड में 4 में भी पूछा जा सकता है और उसको पैसा मारने का आरोप लगाया है। उसने एक लिखित पत्र में कार्यालय को सौंपते हुए प्रभारी के नाम से दिया है और हम लोग चाहते हैं कि इस पे सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार लगातार गरीब गुरुओं के लिए अनाज दे रहे हैं, लगातार बांटना चाहिए और बांट रहे हैं। और AMO साहब के खिलाफ़ एक आवेदन आया है 19 तारीख का रंजीत कुमार द्वारा, इसका भी मेरे पास प्रूफ है पार्टी के नाम से और ये जांच की विषय है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूँ कि सरकार की बदनामी ना हो और पार्टी ईमानदारी से काम करे और सारे पदाधिकारी ईमानदारी से काम करे और लोगों को जो मुहैया कराया जा रहा है राशन लगातार बट रहा है तो उसको डीलर को परेशान नहीं किया जाए।